जंग की आशंका जिन देशों को सता रही है उनमें इटली भी है। यही वजह है कि इटली ने भी अपने नागरिकों को जल्द से जल्द वापस यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया है। रूस और अमेरिका की युद्धक तैयारी, पहले कौन करेगा किस पर बमबारी, तनाव के केंद्र में यूक्रेन, जंग हुई तो छिनेगा दुनिया का चैन। युद्ध की यही आशंका अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक इटली को भी सता रही। यही वजह है कि इटली ने भी अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कह दिया है। शनिवार को इटली के विदेश मंत्री लुइगी डी माओ ने कहा, हमने यूक्रेन में मौजूद इटली के सभी नागरिकों को लौटने के लिए कहने का फैसला किया है। लोगों को यूक्रेन की यात्रा स्थगित करने के लिए भी कहा गया है। इटली अमेरिका की अगुवाई वाले 30 देशों के संगठन नाटो का मेंबर है। इटली ने नाटो की सदस्यता इसके गठन के शुरुआत यानी साल 1949 में ही ले ली थी। मतलब ये कि अगर रूस और अमेरिका के बीच महायुद्ध छिड़ा तो आहुति इटली को भी डालनी होगी, युद्ध की तपिश उसे भी महसूस होगी। एक तरफ रूस ने युद्धाभ्यास के नाम पर यूक्रेन सटे बेलारूस में अपनी सेना घुसा दी है, तो अमेरिका ने भी मोर्चाबंदी को तेज कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन सटे रोमानिया में अपनी सबसे घातक लड़ाकों और हथियारों का जमावड़ा शुरू कर दिया है। दो महाशक्तियों के बीच यूक्रेन टेंशन का सेंटर। दुनिया पर मंडरा रहा तीसरे महायुद्ध का टेरर। अमेरिका के खिलाफ बेलारूस में रूसी तैयारी, यूक्रेन के पड़ोस में अमेरिकी फौज भारी। अमेरिका कह रहा है हमला नहीं करेंगे, रूस कह रहा है पहल हमारी तरफ से नहीं होगी, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन की सीमा पर दोनों मुल्कों की फौज डटी है। वॉर के लिए तैयार युद्ध के हथियारों को धार दी जा रही है। सैन्य अभ्यास के नाम पर एक दूसरे को पहले ही मोर्चे पर परास्त करने की रणनीति बनाई जा रही है। इसी सिलसिले में अमेरिका अपनी 5000 एयर डिफेंस आर्टिलरी बटालियन को जर्मनी से रोमानिया शिफ्ट कर रहा है। कहते हैं कि दुश्मन पर अचूक वार करने वाली स्टिंगर मिसाइल से लैस ये बटालियन रूस के खिलाफ बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कंधे पर रख कर दागी जाने वाली स्टिंगर मिसाइल सतह से हवा में वार करती है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने इसी महामारक हथियार के दम पर रूसी सेना को तबाह किया था। अगर रूस ने हमला किया तो अमेरिका यूक्रेन के लोगों की जान बचाने के लिए क्या अपने पोलैंड प्लान को आजमाएगा? पोलैंड में तैनात अमेरिका कितना ज्यादा कारगर होंगे, हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए जरा, तनाव को देखते हुए अमेरिका ने पोलैंड में 3000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ऐलान किया है कि अमेरिका नाटो की मदद के लिए 3000 अतिरिक्त सैनिकों को पोलैंड में तैनात करेगा। पोलैंड में पहले से ही अमेरिकी सेना का एक स्थायी बेस मौजूद है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन दूसरे ऑप्शन के तौर पर इन सैनिकों को यूक्रेन से अमेरिकी नागरिकों को निकालने जैसे मिशन में शामिल करने के लिए तैनात कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक पोलैंड में तैनात होने वाले 3000 अतिरिक्त सैनिक अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन से होंगे। इनका मुख्यालय उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में है। अगले हफ्ते तक इन सैनिकों को पोलैंड में तैनात कर दिया जाएगा। अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक राष्ट्रपति बाइडेन के निर्देश पर रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने तैनाती के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।